स्वागत है आपका आपके अपने चैनल डी के टैग में। मैं हूँ दिवेन और आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप 5 मिनट में जो वो अपने लिए एक बेहतरीन लोगो बना सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में। और इसके लिए आपको क्या करना है, आपको मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया, आपको सीधा उस पर जाना है और वहाँ से हमारा जो है फर्स्ट स्टेप जो है वो लोगो का स्टार्ट होगा, ठीक है। सो उसको लोगो को आप जो हर कहीं यूज़ कर सकते हैं, आप अपने वेबसाइट्स पर यूज़ कर सकते हैं, अपने यूट्यूब चैनल पर यूज़ कर सकते हैं और हाँ वो बिल्कुल फ्री में बनेगा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और घंटे का आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो जो हो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। सो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले क्या आप अपने ब्राउजर पे आ जाएं, उसके बाद न्यू टैब ओपन करें। उसके बाद न्यू टैब में ओपन आपको URL में एंटर करना है logomaker.dahoot.com। आपको मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप सीधा वहां पे क्लिक कीजिए और सीधा आप जो है वो वेबसाइट पहुंच जाएंगे। तो जैसे ही आप वेब की वेबसाइट ओपन होती है आपको एक डेमो लोगो जो है वो यहां पे अपीयर होगा, डिस्प्ले होगा। सो आपको क्या करना है, आपको लोगो बनाने के लिए सबसे पहले जो है वो एक सिंबल चाहिए होता है, उसके बाद आपको लोगो का नाम और उसके बाद लोगो का टैग लाइन। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे ऊपर टॉप में आपको दिखेगा न्यू, तो हम यहाँ पे न्यू पे क्लिक करेंगे, ठीक है, और इसको यहाँ पे यस करेंगे। सो आप अब आपके पास एक ब्लैंक यहाँ पे इंटरफेस शो होगा। तो आपको जो है वो यहाँ से सबसे पहले इसमें जो है वो एक ऐड सिंबल हम यहाँ से पिक कर लेते हैं, जो भी आप जिससे रिलेटेड कोई भी लोगो बनाना चाहते हैं उससे रिलेटेड आप यहाँ से कोई एक सिंबल जो है वो जो आपको अच्छा लगता है वो आप पिक कर सकते हैं। यहाँ पे काफ़ी सारे सिंबल आपको मिल जाएंगे, जैसे फाइनेंशियल से रिलेटेड, आपको वेब डिज़ाइनिंग से रिलेटेड, आपको आपको गेम से रिलेटेड, हर टाइप के आपको शॉपिंग से रिलेटेड अगर आपको लोगो बनाना है तो वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पे वेबसाइट से रिलेटेड यहाँ पे कोई हम लोगो बनाते हैं तो मैं यहाँ पे ऐप पे क्लिक करता हूँ तो हमें यहाँ पे वेब से रिलेटेड जो वो काफ़ी सारे हमारे पास सिंबल जो है वो यहाँ पे मिल जाएंगे। तो हम कोई एक अच्छा सा सिंबल जो है यहाँ से पिक कर लेंगे। तो आपके पास वेब से रिलेटेड काफ़ी सारे सिंबल जो हैं वो आपके पास यहाँ पे आ चुके हैं, जो भी आपको अच्छा लगता है वो आप यहाँ से पिक कर सकते हैं। मैं ये वाला यहाँ से सिंबल पिक कर लेता हूँ और इसको मैं सेंटर में ले आता हूँ यहाँ पे, ठीक है, और इसको इसका मैं थोड़ा साइज इंक्रीज कर लेता हूँ यहाँ से, और इसको थोड़ा सेंटर जैसे मैं प्लेस कर लेते हैं, ठीक है। अब हमें अपने लोगो के लिए एक नाम भी चाहिए तो हम इसको ऐड टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हमारे पास टेक्स्ट आ चुका है। हम इस टेक्स्ट को जो है वो यहाँ जैसे रख के इसको अपने जो भी हमारे लोगों का नाम होगा वो हम यहाँ पे नाम एंटर कर लेते हैं, ठीक है। तो अब इसके लिए हमें एक टैग लाइन भी चाहिए तो हम यहाँ से टैग लाइन के लिए भी एक नया ऐड टेक्स्ट करेंगे, उसके बाद इसको उठा के नीचे मूव करेंगे, ठीक है, और यहाँ से इस टेक्स्ट को हम रिमूव करके अपना जो भी आप टैग लाइन देना चाहते हैं वो यहाँ पे टैग लाइन लिखिए, ठीक है। अब इसका आप साइज कम कर सकते हैं, इस पर क्लिक कीजिए, इसके बाद इसको आप साइज कम कर सकते हैं, ठीक है, और इसका साइज आप इंक्रीज कर सकते हैं, यहाँ से इसको मूव कीजिए, ठीक है, और इसको आप सेंटर जैसे मैं यहाँ पे प्लेस कर लीजिए। तो अब इसको हम थोड़ा यूनिक बनाएंगे, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम इसको टू पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे अपना जो भी हमारा लोगों का नाम है। तो मैं इसको क्या करता हूँ, यहाँ से ये वाला पार्ट यहाँ से रिमूव करके इसको डुप्लीकेट करता हूँ और इसको यहाँ पे प्लेस करके इसका सेकंड पार्ट यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। तो अब हमने क्या किया, हमने अपने जो भी हमारे लोगों का नाम था उसको हमने टू पार्ट्स में डिवाइड कर लिया ताकि ये थोड़ा देखने में यूनिक लगे। अब हम क्या करेंगे, इसका थोड़ा कलर चेंज कर लेंगे और इसका फॉन्ट भी चेंज करेंगे। तो कलर चेंज करने के लिए हम यहाँ पे आएंगे,
कलर टूल्स में, और यहाँ से इसका कलर चेंज करेंगे। ये वाला कलर आई थिंक अच्छा रहेगा, तो मैं इसको यहाँ से ये वाला कलर कर लेता हूँ, और इसका कलर हम चेंज कर लेते हैं। तो अगर आप सिंबल का कलर चेंज करना चाहते हो तो आप इस पर सिंपली उसी पार्ट पे क्लिक करें जिस पार्ट का आप कलर चेंज करना चाहते हैं, और यहाँ से कलर टूल्स में आए और क्लिक करें। सो आप जो कलर्स पे ऐड करना चाहते हैं वो आप ऐड कर सकते हैं। तो मैं ये वाला कलर यहाँ से इसमें ऐड कर देता हूँ। ओके सो अब हमारा लोगो ऑलमोस्ट रेडी होने वाला है, तो मैं इसका फॉन्ट भी यहाँ से चेंज कर लेता हूँ। फॉन्ट चेंज करने के लिए आपको फॉन्ट्स में आना है यहाँ पे। यहाँ पे आपको काफ़ी सारे फॉन्ट्स मिल जाएंगे, जो आपको अच्छा लगता है वो आप यहाँ से अपने अकॉर्डिंग अच्छा सा फॉन्ट चूज़ करके अपने लोगों के लिए सिलेक्ट कर लें। मैं ये वाला यहाँ से इसके लिए ऐड करता हूँ इसको, ठीक है। इसका हम थोड़ा साइज इंक्रीज कर लेते हैं यहाँ से, ठीक है ये। और इसका हम फॉन्ट चेंज कर लेते हैं। इसका फॉन्ट चेंज करने के लिए भी आप फॉन्ट्स में आए और यहाँ से आप अपनी अकॉर्डिंग जो आपको अच्छा फॉन्ट लगता है वो आप यहाँ से पिक कर सकते हैं। मैं ये वाला फॉन्ट यहाँ पे पिक कर ले रहा हूँ। अब आप टैग लाइन्स पे आ जाएं अपनी, और इसको थोड़ा सेंटर में मूव करें, और इसका भी फॉन्ट आप चेंज कर सकते हैं। सो मैं इसका फॉन्ट भी चेंज कर लेता हूँ। सो मैं यहाँ से ये वाला फॉन्ट इसके लिए रख लेता हूँ। तो हमारी टैग लाइन्स का हम थोड़ा साइज इंक्रीज कर लेते हैं, ठीक है। अब आप चाहते हैं कि आप अपने लोगोस, अपने सिंबल में थोड़ी यूनिकनेस चाहते हैं, इसको थोड़ा अट्रैक्टिव सा बनाना चाहते हैं, तो आप यहाँ से अपने अकॉर्डिंग इसमें कुछ ऐड भी कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ से इस आइस को रिमूव कर देता हूँ। मैं चाहता हूँ कि इस आइस की जगह यहाँ पे कुछ और चीज़ ऐड करूँ। सो मैं इसको यहाँ से आइस पे क्लिक करके यहाँ से रिमूव कर दूँगा, और यहाँ से ऐड न्यू सिंबल पे जाऊँगा, और यहाँ से नया कोई सिंबल एक पिक कर लूँगा। ये वाला सिंबल मैं यहाँ से पिक कर लेता हूँ। सो इसको हम यहाँ से मूव करेंगे, और इस पे यहाँ पे इसका हम बीच वाला पोर्शन जो है वो पिक कर लेंगे, ठीक है। तो इसका बाहर वाला पोर्शन डिलीट करने के लिए आपको यहाँ पे क्लिक करें, आइस पे क्लिक करें, और इसको यहाँ से पिक करके इसके सेंटर में मूव कर लें। और इसका अब आप चाहते हैं कलर चेंज करना है तो इस पे क्लिक करें, और दोबारा से कलर टूल्स में आए, और यहाँ से इसका कलर भी चेंज कर लें। सो अब इसका थोड़ा साइज इंक्रीज कर लें, और इसको थोड़ा सेंटर में प्लेस करें, ठीक है। सो ऑलमोस्ट आपका लोगो जो है वो रेडी हो चुका है। इसको भी हम थोड़ा यहाँ जैसे मूव कर लेते हैं, और इसको सेंटर में ले आते हैं, ताकि देखने में परफेक्ट लगे। सो गाइस, आपका लोगो बिल्कुल रेडी है। अब आप इसको सेव करें, तो सेव पे जाएं और सेव पे क्लिक करेंगे, तो आपको अपनी ईमेल आईडी डालनी होगी इसमें, जिससे जो वो आपका लोगो आपकी ईमेल आईडी पे जो पहुंच जाएगा। तो मैं यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी डालता हूँ, उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपका लोगो जो है वो आपकी ईमेल आईडी पे सेंड हो चुका होगा। सो गाइस, आपका लोगो आपकी ईमेल आईडी पे पहुंच गया है। तो मैं यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी चेक करता हूँ, मेरा यहाँ पे ईमेल आईडी भी आपका लोगो आ गया होगा। सो हम ईमेल पे पहुंच जाते हैं, और यहाँ से चेक करते हैं कि हमारा लोगो आया है या नहीं।
सो हमारे पास हमारा लोगो आ चुका है, मैं इसको ओपन करता हूँ। तो आपके पास यहाँ पे एक जिप फाइल बन के आई होगी, आप इसको जो है वो डाउनलोड कर लीजिए। हाँ डाउनलोड पे क्लिक कीजिए, और जहाँ आपको ये डाउनलोड करना है लोगो वहाँ इसको डाउनलोड कर लीजिए। सेव पे क्लिक कीजिए। तो आपके पास आपका लोगो जो है वो डाउनलोड हो चुका है, इसको हम चेक करते हैं। और अगर आप दोबारा से अपने लोगो को एडिट करना चाहते हैं तो आपकी मेल में आपको एक लिंक दिया होगा, आप दोबारा से इस पे क्लिक करके अगर आप चेंज करना चाहते हैं, इसमें कुछ चेंजेस चाहते हैं, तो आप वहाँ से भी इसको चेंज कर सकते हैं। सो हम अब अपने लोगोस को चेक करते हैं। सो ये हमारे पास हमको हम इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं, न्यू फोल्डर बना के उसके अंदर मूव कर लेते हैं। तो ये हमारे पास आ गया हमारी लोगों की फाइल, इसको एक्सट्रैक्ट कर लें। तो आपके लोगों की सारी फाइल्स जो आपके पास आ चुकी हैं आपके पास, तो आपको इस एक फाइल को ओपन कर लीजिए और चेक कर लीजिए कि आपका लोगो कैसे शो हो रहा है। तो ये आपके पास आपका लोगो बन के आ चुका है, और अगर आप दोबारा से इसे एडिट करना चाहते हैं तो आप दोबारा से मेल में जा सकते हैं। और अगर अभी तो आपके पास यहाँ पे लिंक है, आप इस पे क्लिक कीजिए और दोबारा से आप कभी भी इसको जो है वो एडिट करके जो है वो दोबारा से कुछ भी इसमें चेंजेस करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं। और इसको जो है वो आप कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, इसको आप अगर आप ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड में यूज़ करना चाहते हैं तो इसका आप PNG फॉर्मेट जो है वो यूज़ कीजिएगा। और उम्मीद है आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आपको इस कमेंट और शेयर करना ना भूलें, और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के आइकन को दबाना ना भूलें, तो हमारी वीडियो जो आपके पास सबसे पहले पहुँचे। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।